हाय दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये मॉली बेबीज़। इनको मैंने ओपन टब में रखा हुआ है और काफ़ी डिफरेंट एज ग्रुप्स की मॉलीज हैं ये, जैसा कि आप देख सकते हो। ये आप देखिए, इनमें से कुछ ऑलमोस्ट 1 मंथ है। जैसे ये बड़ी वाली मॉली आपको जो दिख रही है, ये 1 मंथ होल्ड हो गई है, ऑलमोस्ट 1 मंथ है, 1 मंथ नहीं हुआ है। और इनमें से कुछ 15 से 20 दिन वाली, जैसे ऑलमोस्ट ये 15 दिन हो गया इस मॉली को, और ये भी ऑलमोस्ट 20 दिन वाली मॉली है। और इसके बाद आप देखेंगे कि 1 मंथ ओल्ड, 1 डे ओल्ड मॉलीज भी आपको काफ़ी सारी दिखेंगी। जैसे कि आप देखो, ये छोटी छोटी ऑलमोस्ट ये आपको नज़र नहीं आएंगी, ये पानी थोड़ा सा गंदा है। ये देखिए, ये कल ही मेरी वाइट मॉली थी जिसने कम से कम 20 से 25 बच्चे दिए हुए हैं। ये देखिए, पूरे पूरे टब में आपको नज़र आएंगे। ये कल बस एक दिन पुराने बच्चे हैं और काफ़ी सारे हैं। देखिए, ये देखिए, आपको ये सारे काफ़ी सारे बच्चे हैं। ये 1 डे ओल्ड हैं खाली, इनको मैंने इसी टैंक में डाल दिया है अभी। और ये जो मौली है मेरी, इसने इनमें से मतलब 3 बच्चे मर गए थे, बाकी तो अराउंड 25 बचे उसने कुछ दिए थे, और उसमें से 22 मैंने इसके अंदर अभी टैंक में डाल दिए हैं जो कि ये। और ये जो मेरी, जो ये 3 ब्लैक मॉलीज आप देख रहे हो, ये मेरी डालमेशियन मॉली है, उसने ये बच्चे दिए हुए हैं। तो सारे जो बेबीज़ हैं अभी तो फ़िलहाल हेल्दी लग रहे हैं, और ये जो 3 मेरी ब्लैक मॉलीज हैं, ये तो काफ़ी अच्छे ग्रो कर रही हैं। इनको मैं खाना भी बराबर, जो नॉर्मल फिश फूड आता है, फ्लेक्स और जो आपके पैलेट्स आते हैं, इसको बारीक से, बहुत बारीक, ये देखिए खा भी नहीं है, बहुत बारीक से क्रश करके मैंने इनको इस टब में डालता रहता हूँ। और एक छोटा सा हाइडिंग प्लेस भी बनाया हुआ है छोटी मॉलीज के लिए। देखिए, जैसे आपको एक मॉली नज़र आएगी, ये रही है। तो इससे क्या रहता है कि ये हाइड कर लेती हैं अपने आप को। तो काफ़ी हेल्दी मॉली हो गई हैं, इनको अच्छा फूड भी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, तो सब सही चल रहा है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।